સારી યોજના છે અને આ દેશ નવી યોજના છે સર, એમાં અમને લાભ લેવાની ઈચ્છા છે અને અમે એપ્લિકેશન કરી, અમને મળ્યું, ખૂબ ફાયદો છે, ખૂબ આનંદ છે, અમે બીજાને પણ મોટિવ કરીએ છીએ. તો બતાઈએ જરા, ઈ યોજના મેં આપને ઘર મેં પહેલે કેટલા બિલ આતા હતા? 5-6 હજાર બિલ આતા હતા. અભી લાસ્ટ પહેલા એક બિલ મેરા આયા હતા, 1 હજાર માઇનસ આયા, મતલબ 6 હજાર કા ફાયદા હો ગયા. યાની 1 સાલ કા કેટલા ફાયદા હો ગયા? 1 સાલ કા 72 હજાર તો મિલ ગયા સર. એટલે કરી કુલી 75 હજાર રૂપિયા કમાઈ. 3 સાલ માં અમારા 2 સાલ માં ફ્રી હો જાયેગા સર. ઓર સરકાર કી તરફ સે કિસાન મેરા 78,000 રૂપિયા મિલ ગયા. और बिना कोई तकलीफ एक महीने का तो आ गया सर. पहले क्या है, हमको 3 पंखा 3 रूम में चलाना चला हुआ है ने, तो भी एम था तो के लाइट बिल आ डर लगता था 3 फैन चला नहीं सके. अब ये शो है के पीएम सूर्य अगर मफत बिजली योजना आई ने, એટલે અમારે એટલો બધો ફાયદો થયો કે હવે એસી ભી બિંદાસ ચલાવીએ કે સર. એસી જી સર, એસી हमने बहुत कितना लगाया आपने, कितना साइज आपका, कितना साइज है? मेरा सर वो 3.24 का है. बहुत अच्छा. बिजली बिल पहले आता था? बिजली बिल मेरा का 2500-3000 आता था और ये 2500-3000 माइनस हो गया और 1040 रूपया मेरे को ये महीना मिला. कमाई हो गई. चलिए, मतलब आपको करीब 7000 रूपए की कमाई हो. आराम से सर, पैसा बच गया और ऊपर से कमाई हो. कमाई हुई सर. अच्छा, और शू छे के लिए कितनी बिजली आपने शू करो? मौसम जो हमारे 3.24 ने पूरी जो पैसे लगा दी छे, हमारे भी 3.5 हजार आ गए. अब तक तो मैंने बचत ने 1000 में जमा हो गई. 1000 रुपए कमाई थी तो लोगों ने खबर थे कि भैया સરકારની તિજોરી ખાલી કર્યા વગર અને સરકારી ખજાને સે 1 રૂપિયા નાગરિકો કો ભરવા કે બિના મુફત બિજલી મિલ સકે. આપકો એ માલુમ હૈ કે આપને એ યોજના લેકર કે કિતના લાભ કિયા હૈ દેશ કો? અંદાજા આ રહા હૈ? બહોત લાભ કે જો હમારા ભી બિજલી જાતા હૈ વો દેશ કો લાભ હૈ. હા, જો બિજલી બચેગી ઓર વો આયા બચેગી. જિતના જ્યાદા સોલર પેનલ લગેગી ઇતના જ્યાદા યુનિટ પૂરી દુનિયા ક્લાઇમેટ કો લેકર પરેશાન હૈ. અગર યે હમ કરેંગે તો સારે સંકટો સે બચને વાલી 50-100 સાલ કે બાદ જે બચ્ચે હોંગે કો ભી ઇસકા લાભ હોગા. ઓર લોગ ક્યા કરતે હૈ, સભી રાજનૈતિક દળ ચુનાવ જીતને કે લિયે સરકારી ખજાના ખાલી કરતે હૈ. हमने सरकारी खजाना भी बचाया, देश का भविष्य भी बचाया और लोगों के घर की जरूरत भी पूरी हुई. अच्छा, आपने कभी हिसाब लगाया इसका कैसे फायदा होगा? मैं आपको एक हिसाब बताऊं. मान लीजिए तो आपका 4000 रूपए का बिजली का बिल आता है, 4000 माफ हो गए और ऊपर से 1000 रूपए मानो आपकी कमाई तो आपको 5000 मिलना. अगर मान लीजिए आपके घर में बेटी का जन्म हुआ है, बेटी 1-2 साल की और बेटी के नाम ये 5000 रूपया आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया, फिर दूसरे महीने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, 12 महीना ऐसा करते करते आपने और 60,000 रूपये फिक्स डिपॉजिट किया, फिर दूसरे साल भी किया, तीसरे साल भी किया, करते गए. वैसे बिल तो देते ही थे, बच रहा है. बेटी के लिए अगर आपने जमा किया तो बेटी जब 20 साल की होगी ना तो आपके हाथ में कितना पैसा आएगा? अपने अंदाज किया 10-12 लाख रुपया आपके बिजली के बचत से बचत कमाई होगी आपकी. और जब बेटी आपकी 20 साल की होगी, आपके हाथ में 10-12 लाख रुपया होगा, उसकी पढ़ाई, उसकी शादी, इतना बड़ा काम कर सकते हैं. यानी एक छोटी योजना इतना बड़ा परिवर्तन ला सकती है, इसका एक उदाहरण है. अच्छा, देश इतना आपके लिए कर रहा है, आप भी काम करेंगे? करेंगे सर. या आपकी सोसाइटी में सबको मिला स्वच्छता ऐसी हो तो लोगों को लगे कि ये तो मंदिर है, पूरी सोसाइटी एक मंदिर है. यानी एक भी कूड़ा कचरा बहाने ये कर सकते हैं, वरना हम लोग क्या करते हैं,
मैं 5 बजे उठ जाऊंगा और मेरे घर का कचरा बगल वाला है, बगल वाला 5:30 बजे उठेगा तो दूसरे दिन 4:30 उठे थे वो कचरा आपके यहाँ डाल देगा, ऐसा तो नहीं करेंगे। अच्छा मैं देख रहा हूँ इतनी बड़ी सोसाइटी है, 3-4 पैड देख रही हूँ, मेरा एक अभियान है, एक पैड माँ के नाम अपनी माँ को स्मरण, घर में अगर 5 मेंबर है तो हर की माँ 5 पैड लगेंगे, क्या आपकी सोसाइटी तय करके एक पैड माँ के नाम ये करके पूरी सोसाइटी को ग्रीन कर सकते हैं? 3 साल के भीतर भीतर मकान नहीं दे देगा, पैड ही पड़ गए, छोटा सा काम है। उसी प्रकार से बरसात का पानी, बारिश 2 इंच में बारिश हो जाए तो लाखों लीटर पानी, यानी सिर्फ सूर्य क्रांति रानी ऐसा नहीं, पूरे जीवन में आप पर्यावरण के प्रति सजग रहो। जैसे हम कुछ भी खरीदने जाते थे पहले तो घर से थैला लेके जाते, अब ऐसे खाली हाथ जाते हैं, प्लास्टिक के दल छोटे लेकर जाते हैं, प्लास्टिक फेंकते हैं, गाय खाती है गाय मर जाती है। क्या हम तय कर सकते हैं मैं प्लास्टिक से कोई चीज नहीं, मैं घर से ही थैला लेकर जाऊंगा, घर के ही थैले में सबको लाऊंगा, प्लास्टिक को हाथ लेकर। देखिए पीएम सूर्य घर योजना अभी मैंने 1 करोड़ घरों को देना था, करीब 1.5 करोड़ लोगों ने अर्जी दी और 3.5 लाख घरों में ऑलरेडी काम पूरा हो चुका है, उनको कितना पैसा मिलेगा दिया। अब 3.5 लाख लोग उनके पास 20-20 लाख रुपया अपनी बेटी के लिए जमा होगा, कितनी बड़ी क्रांति आ जाएगी, बहुत बड़ी। चलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।